अब हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी का, तो ये आपको 4 लीटर का मिल जा रहा है। जब बात होती है एक कॉमन आदमी की कि उसकी ज़रूरत भी पूरी हो, कहीं ट्रिप वगैरह पर फैमिली के साथ जाता है तो उसके पर्पज से भी काम करे, और बाइक या स्कूटर जो खरीदता है उसी से उसकी अर्निंग भी हो, तो ऐसे पर्पज को सॉल्व करने के लिए मोपेड सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। मोपेड या लूना आप कह लीजिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पिछले वीडियो में कमेंट करके बताए थे कि वो उनकी पहली जो टू व्हीलर थी वो लूना थी और उसी पर उन्होंने सीखा था। ऐसा आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि किन किन लोगों ने लूना से अपनी राइडिंग सीखा था टू व्हीलर का, या फिर किन किन लोगों के पास है और वो किस पर्पज में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। थोड़ा अच्छा लगता है पढ़कर, और मैं जिसका इंटरेस्टिंग होता है उसको मैं शेयर भी करता हूँ। और आप लोग नाम और अपना सिटी ज़रूर उसमें शेयर करिए ताकि मैं आपको नाम से इंट्रोड्यूस कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ TVS के XL 100 हैवी ड्यूटी के बारे में, जो कि आपको सामान ढोने के पर्पज में भी काम आएगा। भाभी जी को बैठाकर घुमाना है, भाभी जी और बच्चों के साथ, उसके पर्पज में भी काम आएगा। मम्मी पापा को हॉस्पिटल ले जाना है, दवा दारू दिलाना है, उसमें भी काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग इसका सारा फीचर्स डिटेल जान लेते हैं, फिर बात करते हैं। फ्रंट से बाइक कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर आपको कन्वेंशनल डिजाइन में बल्ब के साथ में इसका आप हेडलैम्प आ जाता है, जिसका आउटर जो पेरिफेरी है वो आपको क्रोम फिनिश के साथ में मिल रहा है। और यहाँ पर ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ में इसका साइड इंडिकेटर है, जिसका आउटर कवरिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर के साथ में दिया गया है। इसका जो मडगार्ड है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ में आ रहा है और फुल कवरेज दे रहा है, डस्ट वगैरह को, वाटर वगैरह इंजन पर या राइडर के ऊपर जाने से कम्प्लीटली सेफ रखने वाला है ये। और यहाँ पर बात करें हम कंफर्ट को लेकर, तो ये सस्पेंशन मिल रहा है फ्रंट में आपको, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इसको फुल रबर ग्रिप दे दिया गया है, डस्ट वगैरह भी इसके सस्पेंशन में नहीं जाएगा और जो इसका लुक है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। जबकि पीछे में आपको ट्विन स्विंग आर्म सस्पेंशन मिल जा रहा है, एक मैक्सिमम कंफर्ट मिलने वाला है, लोड वगैरह लेकर जाते हैं तो भी आपकी जो राइड है स्मूथ ही रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके टायर का, तो आगे और पीछे दोनों में ट्यूब टायर मिल जा रहा है और जो टायर का साइज है वो 2.5 का है। और ये मल्टी स्पोक्स के साथ में इसका व्हील आता है, जो कि कम्प्लीटली ट्रेडिशनल डिजाइन, पुराने समय का जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और आगे और पीछे दोनों में आपको ड्रम ब्रेक मिल जा रहा है, तो इसमें ब्रेक जो है स्पीड के अकॉर्डिंग जो ब्रेक है वो ठीक ठाक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर दूसरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको लेग गार्ड मिल जा रहा है, यदि आपने सामान वगैरह रखा है तो आप अपने लेग को स्ट्रेच करके भी बैठ सकते हैं। इस पर मैं आपको लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कभी भी इस बाइक को, तो ठीक है क्योंकि ये आपका लो स्पीड है और आपको बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क जैसा नहीं है, लो फ्लोर भी है, लेकिन कभी भी यदि आप लोग बाइक चला रहे हैं तो क्या होता है, बरसात जब होती है, खासतौर पर पहली बरसात या बारिश हुई हो रुक रुक कर, तो उसमें हम लेग गार्ड के ऊपर ऐसे पैर रख लेते हैं और ऐसे चलाते हैं। एक काम आप कभी भी मत करिए, ये बहुत रिस्की हो जाता है और उसके दो फैक्टर हैं और मैंने खुद भोगे हैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसके वजह से, तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और लकली वो कम स्पीड में मैं था इसलिए बच गया, अदरवाइज यदि हाई स्पीड होता है 50-60 का तो शायद मुश्किल हो सकता था। ऐसे क्या होता है कि आपका जो रिस्पांस टाइम है ब्रेक और गियर दोनों पर टाइम लगता है नीचे लाने में, और बाइक का जो बैलेंस है वो भी आपका कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका रहता है। आपका स्पीड में है, चल रहे हैं, अलग बात है, लेकिन कहीं भी टर्निंग या कहीं भी खड्डा होगा ना, इमीडिएट आपकी बाइक स्लिप हो जाएगी। तो कभी भी ये गलती नहीं करिए, मेरे गलती से आप सीख लीजिए, सेफ रहिए। अभी हम बात करते हैं इस मोपेड के बारे में, तो इसमें आपको इतना स्पेस मिल जा रहा है, फ्रंट में फ्लैट स्पेस मिल रहा है जिसमें बॉक्स वगैरह जो है आराम से रख सकते हैं। यदि आप डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं उस पर्पज में भी काम आएगा। जो वेंडर्स हैं, जैसे भाजी हो या फ्रूट्स वगैरह हो या जो पानी पूरी वगैरह का स्टॉल लगाते हैं, तो वो भी अपना सामान यहाँ पर आराम से रखकर जा सकते हैं। कहीं गाँव वगैरह में क्या होता है, सामान बेचते भी हैं लोग, तो उस पर्पज में भी ये काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। और यहाँ पर ये फुटरेस्ट मिल जा रहा है जो कि कुशन के साथ में है। इसमें आपको दोनों स्टार्ट सिस्टम मिल जा रहा है, किक के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट सिस्टम भी मिल रहा है। और इसका साइलेंसर पिलेन राइडर के फुटरेस्ट के नीचे दिया गया है, फुटरेस्ट कुछ ऐसा पिलेन राइडर के लिए मिल जा रहा है, तो आराम से इस पर कोई भी बैठ सकता है। और यहाँ पर हुक भी दिया गया है, उसे कंफर्टेबली लेकर पकड़ कर बैठा जा सकता है, राइडर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा जो है सामान वगैरह इसमें आप लटका सकते हैं और जो भी आपका डिलीवरी का आइटम है उसको यहाँ पर हैंग कर सकते हैं, तो ये आपका यूटिलिटीज़ के लिए हो जाएगा। और ये सीट जो है ये एडजस्टेबल मिल रही है, इस सीट को आप हटा सकते हैं और यहाँ पर अपना बॉक्स वगैरह रख सकते हैं या जो बैग वगैरह है यहाँ पर आप रख सकते हैं और उसको आप डिलीवर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बैक रेस्ट मिल जा रहा है, फुल आपको इसको बांध सकते हैं, ये सारा प्रोविज़न आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, तो ये आपके यूटिलिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। और लेफ्ट साइड में सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको फुल सारे गार्ड मिल जा रहा है, सिंगल फुट रेस्ट मिल जा रहा है कंफर्ट के लिए, एक साइड में पैर रखकर बैठने के लिए। और ये साइड स्टैंड यदि आपने लोड किया हुआ है, यदि आप डबल स्टैंड पर नहीं ले सकते, तो ये प्रोविज़न भी आपको ये मिल जा रहा है।
और आउटसाइड में काफी निकलता हुआ ये फुटरेस्ट है। ये सारा डिटेल है इस मोपेड के बारे में, सेफ्टी एंड कंफर्ट को लेकर। अब हम बात करते हैं इस मोपेड के इंजन के बारे में। तो इसमें 69.9 सीसी का इंजन मिल जाता है, जिसमें सिंगल सिलेंडर, टू स्ट्रोक, टू वाल्व, एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। और इसका इंजन मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 3.5 bhp का 5000 rpm पर, और इसका पीक टॉर्क 5 न्यूटन मीटर मिलता है 3750 rpm पर। तो आप हैवी लोड लेकर आराम से कैरी कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये था इसके इंजन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मीटर कंसोल के बारे में। इसका मीटर कंसोल कुछ ऐसा दिखता है कन्वेंशनल डिजाइन में। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद अभी मैं इसका जो इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ। ये आपका स्पीडोमीटर और ये आपका ओडोमीटर जो पुराने डिजाइन में मिलता था, वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इंजन में कोई खराबी नहीं है, ये यहाँ पर इंडिकेट होता रहेगा। फ्यूल गेज और लो और हाई बीम और लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं स्विचेस का। तो लेफ्ट हैंडल बार पर आपको ये 4 स्विच मिल जाता है लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, और इसके साथ साथ लो एंड हाई बीम का शिफ्टिंग, लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेटर और ये हॉर्न। और राइट हैंडल बार पर ये सिंगल स्विच मिल जा रहा है, किल स्विच, और इसके साथ साथ आप इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों इसमें आपको सिस्टम मिल जा रहा है। सिंगल रेसिंग बार है, और इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए आपको एक्सटर्नल ये आपको ज्वाइंट मिल जाता है, जिससे आपका जो स्ट्रेंथ है हैंडल का वो अच्छा रहे। और इसके हैंडल पर ही यहाँ पर आप ये हुक भी देख रहे हैं। अपना जो सामान है, जो बैग वगैरह में आप लिए हैं प्लास्टिक वगैरह में, जैसे फ्रूट्स ढेर सारा ले लिए हों या कोई भी डिलीवर करने के वाला आइटम हो, बेचने जा रहे हों, तो आप इसमें आराम से हुक पर लटका सकते हैं। तो ये आपके यूटिलिटीज़ के लिए भी काम आ जाएगा इसका हैंडल। तो ये था इसके मीटर कंसोल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन का। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको 100 mm का मिल रहा है। व्हील बेस इसका 1222 mm का है, और इसकी जो विड्थ है वो आपको 65 mm की मिलेगी। सीट हाइट 755 mm का है, और इसका जो कर्व वेट है 65 kg का है। 65 kg समझ लो आप बच्चों के जैसा हो गया, कैसे भी आप उठा सकते हो और कहीं रास्ता खराब हो तो बाइक को उठा भी सकते हैं। तो हर तरह से आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके कलर ऑप्शन का। ये आपको 3 variant और 3-4 कलर में मोपेड अवेलेबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी का। तो ये आपको 4 liter का मिल जा रहा है, और इसका जो माइलेज है ये आपको 55 के आसपास मिल जाएगा प्रैक्टिकली। टॉप स्पीड भी आपको 55 के आसपास मिलने वाली है, और इसका जो ऑन रोड प्राइस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग 65,000 के आसपास है। तो थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा भी आप करा सकते हैं, यदि आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल इस मोपेड के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया, कुछ छूट गया है कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगा उसमें उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि कुछ छूट गया आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।